नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्पोर्ट्स चैनल पर। आज मैं आपको बीबीएसली की टीम दूंगा, पर्थ स्कॉर्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर की। दोस्तों दोनों में काफ़ी अच्छे चेंज हुए हैं, बड़े चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। और रैंकिंग की बात करते हैं, रैंकिंग में पर्थ स्कॉर्स काफ़ी बुरे फॉर्म से गुजर रही है। टोटल 12 मैच खेल चुकी है और उसमें वहीं 3 मैच जीती है और 9 मैच हारी है, तो रैंकिंग सबसे नीचे है। वहीं मेलबर्न सर 5 नंबर बैटिंग की है, 5 नंबर पर है रैंकिंग में। उसने 11 मैच खेली है, उसमें 6 विन की है और 5 लॉस की है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा अंतर है। अच्छे बल अब चलिए बात कर ले चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो चेंज में सबसे बड़ी चेंज ये हुआ है कि नाथन कॉन्टरनील को एंड कॉन्टरनील एंड कहाँ गया माइकल क्लिंगर को स्क्वाड में ऐड किया गया है। और माइकल क्लिंगर ये आखिरी मैच है, ये अपना फेयरवेल मैच खेल रहे हैं, इसके बाद वो रिटायरमेंट लेंगे। एंड एक और बड़ी चेंज होगी, पर्थ स्कॉर्स की ओर से शॉन मार्श इंजर्ड हो चुके हैं, इनको स्क्वाड से बाहर रखा गया है, ये नहीं खेलेंगे, आप इनको मत पिक कीजिएगा। तो मतलब पर्थ स्कॉर्स दो ही चेंज हुए हैं, माइकल क्लिंगर जो ओपनिंग करेंगे अपन डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आ जाएंगे और नाथन कॉन्टरनील भी डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आ जाएंगे, आप यहाँ इनको ले सकते हैं। और अब बात करें एडिलेड स्ट्राइकर में चेंज, तो चेंज के बारे में बात करें तो उसमें आप ये चेंज हुई है, तो उसमें सिर्फ एक चेंज हुई है, टॉम ओकोनल को स्क्वाड से बाहर किया गया है, उनके बदले बुलाया गया है। एंड ऐसे एक और बात दोस्तों, उस्मान कादिर को भी स्क्वाड से बाहर किया गया है, इनको मत लीजिएगा दोस्तों, उनके बदले कोलेमन को बुलाया गया है, आप इनको ले सकते हैं। ये भी रिस्की रहेंगे, तो मतलब बात करते हैं, टीम बनाते हैं फिर अच्छे से बात करेंगे हम लोग। तो पीटर हैंस को तीनों बैटिंग करेगा, बैनक्रो भी तीनों बैटिंग करेगा एंड जो सिंगल ओपनिंग करेगा, और ये दोनों तो खेलेगा नहीं, सेफ कोच एंड वाइट मैन, तीन को मत पिक कीजिएगा। आप तीनों अच्छे ऑप्शन है, आप जिनको लेना चाहिए उनको ले सकते हैं। मैं अभी के लिए फ़िलहाल जा रहा हूँ बैनक्रो के साथ, अभी के लिए मैं बैनक्रो से जा रहा हूँ। अब बैटिंग में बात करें, बैटिंग में तो मैंने शॉन मार्श तो खेलेगा, तो इनको मत पिक कीजिए। ग्लेन मैक्सवेल 4 ओवर बैटिंग करने आएगा और 2 ओवर बैटिंग बॉलिंग, पिछले 2-3 ओवर बॉलिंग भी कर रहा है और पिछले मैच विकेट भी लिया था, मैं इनको सर जानना चाहूँगा। ऑस्टिन टर्नर 4 ओवर बैटिंग करने आएगा, और अगर 500 का बैटिंग क्लब से हो जाता है आप पता ही है, रैंकिंग में 9 मैच हार चुकी है, तो इनकी बैटिंग आ ही जाएगा, 4 ओवर बैटिंग करेंगे, मैं इनके साथ जाऊँगा। आप क्लिंगो को लेना चाहते ले सकते हैं, वो अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं, आप इनको लेना चले सकते हैं, खेलेंगे ओपनिंग करेंगे ले सकते हैं। मेंडक भी ओपनिंग करेंगे, मैं इनके साथ जाऊंगा। और अमेरिकन मेडिसन 5 नंबर बैटिंग करना है, इनको आप लेना चाहिए इनको ले सकते हैं। आप निक तो नहीं खेलेगा, निक को मत लीजिएगा, हिल्टन गार्ड नहीं खेलेंगे, इवान गोलविस रिस्की हो जाते हैं, इनको स्मॉलिंग में ग्रैंड में ट्राई कर सकते हैं। और ट्रेविस जिन नहीं खेले उनको मत पिछा है, ऑप्शन को लेना चाहे ले सकते, पिछले मैच 43 रन मारा और 5 नंबर बैटिंग करने आया, आप लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए फिलहाल नहीं जाऊँगा। ऑलराउंडर में बात करूँगा, मार्कस सोनी से ओपनिंग करेगा, पिछले मैच 4 ओवर बॉलिंग भी किया और 4 विकेट भी लिया, इनको लेना बनता ही है। डेनी ओवर भी 6 नंबर बैटिंग करने आएगा, मैं इनको भी लूँगा। मिचेल मार्श भी 4 या 5 बैटिंग करने आएगा और 1-2 ओवर बॉलिंग भी कर लेता है, इनको लूँगा मैं। आप बाकी इन तीनों को मत पे कीजिएगा, ना ही ग्रैंड लीग में ना ही स्मॉलिंग में खेलेंगे, नहीं तो क्यों पे कीजिएगा। आप देख सकते हैं बॉलिंग बात करें तो बॉलिंग में एंड्रयू टाई है, लियाम प्लंकेट है, एडम जंपा है, नाथन कॉन्टरनील। पहले तो मैं सबसे पहले नाथन कॉन्टरनील को लूँगा, क्योंकि बॉलिंग तो करेगा ही 4 ओवर, बैटिंग में क्या अच्छा खासा परफॉर्म कर लेता है कभी कभी। आप जैक्सन बॉट्स को ले सकते हैं, स्मॉलिंग में ग्रैंड लीग कौन ले सकते हैं, स्कोर बॉल नहीं खेलेंगे उनको मत पे कीजिएगा। जैसन बैंड्रॉप को ले सकते हो, कभी ऐसे वो भी बुरा बॉलर है, यहाँ रिसेप्शन भी नहीं खेलेगा, माइकल वेयर भी नहीं खेलेगा, माइकल वॉरल भी नहीं खेलेगा। एक और दोस्तों को बताया था वॉरल एंड कोलमैन कोई एक ही खेलेगा, तो ये भी रिस्की है, तो इनको मत पिक कीजिएगा। बाकी ये भी नहीं खेलेगा, ये भी नहीं खेलेगा, ये भी नहीं खेलेगा, इस्मान कादिर भी नहीं खेलेगा स्क्वाड में है, ग्रीन भी नहीं खेलेगा, मैथ्यू केलिन ये जरूर खेलेगा, आप लेना चाह ले सकते, तो कैरियर मैनेज हो जाएगी। मैं इनके साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं इनके साथ जाऊँगा। अगर अनएक्सपेक्टेड चेंज हुई तो कैप उसके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन इनके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि कैरियर मैनेज करना है दोस्तों। अगर आप ये तीनों नहीं खेलेंगे, मतलब अगर सेफ लेना चाहते प्लेयर, तब इनको हटाकर डायरेक्ट आप यहाँ से ले लीजिए, कि इनको ले लीजिए, जैसन बैंड्रॉप को ले लीजिए, बच्चे 8.5 ग्रेड में आप जैसन बर्ड को ले लीजिए। ये सेफ प्लेयर आप ले सकते हैं, लेकिन मैं जाऊँगा मैथ्यू केली के साथ एंड यहाँ से मैं जाऊँगा प्लंकेट। पिछला ओवर सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग किया और ज्यादा चांस बैटिंग नहीं मिला, मैं एडम जंपा के साथ जाना चाहूँगा। 4 ओवर बॉलिंग की, 1 मिनट दिया, 17 रन दिया। तो ये हो गया दोस्तों, मैंने बना दिया है टीम, आपको ये टीम प्रीव्यू देख लीजिए।
पहले कैप्टन बता दें, कैप्टन मार्कस धोनी मेरे सबके फेवरेट वही रहेंगे, और मैं वाइस कैप्टन रहेंगे कहाँ के ग्लेन मैक्सवेल रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग भी करें और चार बैटिंग भी किया ना, इसीलिए मैं ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन बनाऊँगा, सो वाइस कैप्टन बनाऊँगा। तो ये मैंने सेव कर लिया दोस्तों, आपको प्रीव्यू दिखा दूँगा। और फिर भी कहा था बैनक्रॉफ्ट है, ग्लेन मैक्सवेल है, बेंडक, माइकल इंगर, टर्नर, डेनी ब्रेवो, मार्कस स्टोनी, मिचेल मार्श, एडन जंपा, नाथन कॉन्टोनी, मैथ्यू केली, दोस्तों ये टीम है दोस्तों। आप मेरे को बताया था, आपको बारे में नहीं बताया पाए, आप यहाँ से ले सकते थे एंड्रयू टाई को ले सकते, कन्फर्म खेलेगा, डेथ ओवर बॉलिंग करता है, विकेट लेने का चांस कम या ज़्यादा होता है, इसलिए आप क्रेडिट मैनेज करके ले सकते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं प्ले स्पोर्ट टीम की, बात कर लेते दोस्तों। दोस्तों जिसने प्ले स्पोर्ट खेलना स्टार्ट नहीं खेल सकता, काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 100% बोनस यूज़ करने मिलता है दोस्तों। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पर 100 रुपीज़ फ्री में देता है, यूज बोनस देता है फ्री में, आप फ्री में आप बोनस यूज़ करके 1000 बना सकते, 1000 से लाख बना सकते, अगर अब आपका लग अच्छा रहा तो दोस्तों। अगर आप बोनस लेना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं रेफरल कोड यूज़ करके आप बोनस ले सकते, कैसे बोनस लीजिएगा, अगर आप रजिस्टर कीजिएगा प्ले स्पोर्ट में पहली बार, तो आप रेफरल कोड यूज़ करके ही कीजिएगा, विदाउट रेफरल कोड कीजिए तो बोनस नहीं मिल पाएगा। तो मेरा रेफरल कोड है कूल 1776, ये मेरा रेफरल कोड है दोस्तों। और पेटीएम वीडियो भी हो जाता है, बिजनेस सेकंड हो जाता है दोस्तों। और अगर आप पैन कार्ड नहीं है फ्री पेटीएम वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप बैंक अकाउंट चाहते हैं वीडियो, तो उसके लिए पैन कार्ड वेरीफाई कराना होता है दोस्तों। चलिए टीम की बात कर ले, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उससे पहले आपको विनिंग दिखाना, तो मैं अपनी विनिंग दिखाया था दोस्तों। ऑकलैंड वर्सेस नॉर्थर्न आयरलैंड देख लीजिए, विनिंग आराम से देखोगी, रैंकी वन विनिंग हो गया, आप देख सकते हैं मेरी विनिंग। अब यहाँ इसमें देख सकते हैं, इसमें भी नहीं आराम से होगी, देख सकते हैं कैंटबरी ओटागा ओटीजी की कैज वन अब विनिंग देख लीजिए, और साथ में पाकिस्तान की देख सकते हैं, इसमें भी आराम से मैं विनिंग हो गई, ये देख लीजिए मैं दोस्तों। अब इसमें प्रदेश टीम की, इसमें आराम से मैं विनिंग हुई, देख लीजिए विनिंग विनिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी लो, यहाँ पॉइंट सिस्टम काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ एक रन के 1 पॉइंट मिलते हैं, और विकेट के 20 पॉइंट मिलते हैं, एंड इकोनॉमी रेट के 15 पॉइंट मिलते हैं, एंड बैटिंग एवरेज के 15 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये अच्छे लेना चले खेल सकते हैं। चलिए बात करें टीम की बात बना लेते हैं टीम के बारे में। तो विकेट में मैंने अभी के लिए भी जाऊँगा बैनक्रॉफ्ट के साथ ही जाऊँगा, आप लेना चाहे पीटर हैंस को ले सकते हैं, वो भी अच्छे प्लेयर है, और जो सिंगली सोलेशन लेना है वो ओपनिंग करेंगे ले सकते हैं। और राउंड बात मैंने जाऊँगा कहाँ गए, डैनी ब्रेवो, मार्कस स्टोनी, मिचेल मार्श को जाऊँगा, बैटिंग टर्नर बेंडक, ग्लेन मैक्सवेल एंड माइकल क्लिंगर, सोन मास तो खेलेगा, तो यही मेरी टीम रहेगी, सोन मास तो खेलेगा, तो उनको मत पे कीजिएगा, सोन मास खेलेगा नहीं। बॉलिंग बात करें तो बॉलिंग में लूँगा मैं वेज, मैं बॉलिंग में काउंटर नील को लूँगा, मैथ्यू लैम्प लेकर नहीं कहाँ गए, एंड्रयू टाई शायद ले पाऊँगा, शायद एंड्रयू टाई को लूँगता हूँ, नहीं ले पाऊँगा एनी टाइगल, नहीं ले पाऊँगा। अगर एनी टाइगल लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से माइकल क्लिंगर हटाना पड़ेगा, और आज आप यहाँ से ले सकते हैं किसको एक्स्ट्रा, और बैट्समैन ले सकते हैं किनको ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, आप निक हॉपसन को ले सकते हैं, जो 5 नंबर बैटिंग करने आएगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, नहीं तो आप ले लीजिए निक मेडिसन को ले सकते हैं, तो ये कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं उसको एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, तो मैं हॉपसन के साथ जा रहा हूँ, यहाँ से मैं ले लूँगा एंड्रयू टाई को ले लूँगा आराम से, बच्चे 90 क्रेडिट में आप एक और आप बॉलर लेना चाह ले सकते हैं, तो यहाँ से आप मैं ले लेता हूँ, मैं बैनड्रॉप को ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें क्रेडिट मैनेज बैनड्रॉप को नहीं ले पाऊँगा, अनबैलेंस हो गई टीम, तो यहाँ से लियाम प्लेन को लेना चाहिए, आप मैथ्यू केली को ले लीजिए, तो टीम अनबैलेंस हो जाती है, तो सॉरी एडन जंपा भूल गया था, एडन जंपा को लेना है, तो एडन जंपा को मैं लेता हूँ। तो ये टीम हो गई दोस्तों, मैं कैप्टन वहीं से बनेंगे कहाँ के, वेज कैप्टन मेरे मार्कस स्टोनी कैप्टन, और वाइस कैप्टन मेरे रहेंगे कहाँ के, ग्लेन मैक्सवेल रहेंगे। तो ये मैं टीम सेव के लिए दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करना जरूर कर दें दोस्तों। और कोई न्यूज आती है तो मैं आपको बता दूंगा, प्लेयर्स उन्हें खेलने में प्रॉब्लम होता है कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट लक, कीप विनिंग।